तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको गूगल ट्रांसलेट ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप लोगों में से बहुतों ने गूगल ट्रांसलेट ऐप ऑलरेडी यूज़ किया होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इसे यूज़ करना है। इसके अलावा इसके कुछ सीक्रेट हिडन सेटिंग्स और टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। और अगर आपको ये सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स पता चल जाता है तो ये आपके बहुत ही काम आ सकता है। तो वीडियो यहाँ पे बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों गूगल ट्रांसलेट ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस लैंग्वेज को किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपका इनपुट लैंग्वेज होगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपका आउटपुट लैंग्वेज होगा। ट्रांसलेट करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। उदाहरण के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप कैसे हो को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैंने टाइप किया उसका मुझे इंग्लिश देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप करके ट्रांसलेट करने का तो ऑप्शन मिल ही जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कन्वर्सेशन का भी ऑप्शन मिलता है जिसमें कि आप कुछ भी बोल करके उसे ट्रांसलेट कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे आपको इस कन्वर्सेशन वाले ऑप्शन पे टैप करना है और यहाँ पे आपको अपना इनपुट लैंग्वेज और आउटपुट लैंग्वेज हमेशा की तरह सेलेक्ट कर लेना है। तो मान लो यहाँ पे मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सिंपली इंग्लिश वाले ऑप्शन पे टैप करना है। हेलो हाउ आर यू, नमस्ते, आप कैसे हैं? तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मैंने बोला इंग्लिश में हेलो हाउ आर यू और यहाँ पे मुझे हिंदी में उसे देखने को मिल जाता है और उसे प्रोनाउंस करके भी आउटपुट लैंग्वेज में बता दिया जाता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना चाहूँगा तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। बस यहाँ पे आपको हिंदी सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप जो भी बोलोगे Whatever you say here, ये मोबाइल एप्लीकेशन उसे सुन के ट्रांसलेट कर देगा। This mobile application will listen to it and translate it. तो देख सकते हो कैसे ये काम करता है। So can you see how it works? इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप किसी सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी के टेक्स्ट को भी डिटेक्ट करके उसे ट्रांसलेट कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे आपको कैमरा का ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ पे कैमरा पे टैप करते हो तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलता है। उससे पहले यहाँ पे आपको अपना इनपुट और आउटपुट लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। आपको अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे दुनिया के सारे लैंग्वेज अवेलेबल है इनपुट और आउटपुट में सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलता है। पहला है इंस्टेंट का, तो यहाँ पे आपको किसी भी टेक्स्ट को स्कैन करना होता है अपने मोबाइल के कैमरा से। तो मान लो मुझे इस इंग्लिश किताब को पढ़ने में कठिनाई हो गई क्योंकि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से नहीं आता, तो यहाँ पे ये किताब किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। तो आपको इसे ट्रांसलेट करने के लिए अपना इनपुट और आउटपुट लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। इनपुट में वो लैंग्वेज होगा जिसमें आपका ये किताब है और आउटपुट में वो लैंग्वेज होगा जो लैंग्वेज आपको पता है। तो यहाँ पर अगर आप इंस्टेंट पे सेलेक्ट करके कैमरे से इसे देखते हो तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेटेड टेक्स्ट दिखाई देगा। देख सकते हो किताब का एक्चुअल टेक्स्ट इंग्लिश में है लेकिन यहाँ पे मुझे हिंदी में सब कुछ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप ट्रांसलेशन को फ्रीज कर सकते हो पाउस पे टैप करके और यहाँ पे आप उसे पढ़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मान लो कोई आपको बोलता है कि इसमें जितने भी इंग्लिश में टेक्स्ट लिखे हुए हैं सेंटेंस लिखे हुए हैं उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है और तो और आपको उसे टाइप करके भी देना है, तो ये काम भी गूगल ट्रांसलेट आसानी से कर सकता है। यहाँ पे आपको स्कैन का ऑप्शन मिलता है। अगर यहाँ पे आप स्कैन पे टैप करते हो बीच वाले ऑप्शन पे तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली पेज का पिक्चर क्लिक कर लेना है। तो मैंने पिक्चर क्लिक कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हो जितना भी टेक्स्ट डिटेक्ट हुआ इस पेज का पिक्चर क्लिक करने के बाद गूगल ट्रांसलेट ऐप से वो यहाँ पे मुझे दिख जाता है। आप अपने सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो सेलेक्ट ऑल पे टैप करके और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाता है। आपको सिंपली इस एरो पे टैप करना है और यहाँ पे देख सकते हो सारे टेक्स्ट जो यहाँ पे लिखे हुए थे यहाँ तक कि इसके ऊपर का हेडिंग भी इंट्रोडक्शन वहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है। इंट्रोडक्शन टू स्टडी इंटरेस्ट रेट्स देख सकते हो सेम टू सेम सारा टेक्स्ट मुझे इंग्लिश में आ गया और इसका हिंदी भी मुझे नीचे स्क्रॉल करने पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप अब इसे कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको कैमरा वाले सेक्शन में ही तीसरा ऑप्शन मिलता है इम्पोर्ट का, तो इसे भी समझ लेते हैं ये क्या है और कैसे आपको इसे यूज़ करना है। तो मान लो आप गूगल पे जाके किसी आर्टिकल को पढ़ते हो और वो उस लैंग्वेज में है जो कि आपको समझ में नहीं आता। जैसे कि मान लो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है गूगल पे कोई भी आर्टिकल और मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है सिंपली उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है और उस पोर्शन को क्रॉप कर लेना है जिसे आप ट्रांसलेट करना चाहते हो और उसे सेव कर लेना है। उसके बाद वापस से आपको ट्रांसलेट ऐप ओपन करना है। यहाँ पे आपको उस पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है जिसका कि आपने स्क्रीनशॉट निकाला था और यहाँ पे आप देख सकते हो
उस स्क्रीनशॉट से सारे टेक्स्ट को डिटेक्ट कर लिया जाता है। मीन्स आप किसी भी पिक्चर के टेक्स्ट को डिटेक्ट कर सकते हो और उसे ट्रांसलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑल पे टैप करना है और यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हो उस पिक्चर में ये लिखा हुआ था और यहाँ पे उसका हिंदी मुझे देखने को मिल जाता है और यहाँ पे मैं इसे अब अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ सकता हूँ और इसे कॉपी करके कहीं पे पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप पेजेस को ट्रांसलेट भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, मान लो आपको व्हाट्सएप पे किसी ने उस लैंग्वेज में टेक्स्ट किया है जो कि आपको अच्छे से नहीं आता। उदाहरण के लिए मुझे यहाँ पे किसी ने इंग्लिश में टाइप करके कुछ भेजा हुआ है मेरे व्हाट्सएप पे और मुझे ये लैंग्वेज नहीं आता, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे उसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लोगे और गूगल ट्रांसलेट में जाके पेस्ट कर दोगे और यहाँ पे आप गूगल ट्रांसलेट में उसे ट्रांसलेट करके अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ पाते हो जो लैंग्वेज आपको अच्छे से आता है। तो इतना कॉपी पेस्ट करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है और बार बार ऐप आपको स्विच करना पड़ता है, व्हाट्सएप टू गूगल ट्रांसलेट और गूगल ट्रांसलेट टू व्हाट्सएप। ऐसे सिचुएशन में अगर आपको रेगुलर बेसिस पे उस पर्सन से कन्वर्सेशन करनी है तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है। इसके लिए यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल पे टैप करना है और यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको टैप टू ट्रांसलेट का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस पे टैप करना है और यहाँ पे आपको इसे इनेबल कर देना है। तीनों ऑप्शन को इनेबल करने के बाद जैसे ही अब आप व्हाट्सएप में जाते हो तो यहाँ पे आपको एक फ्लोटिंग गूगल ट्रांसलेट का आइकन दिख जाता है, देख सकते हो ये स्क्रीन पे फ्लोट करता रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट को कॉपी करते हो तो ऑटोमेटिकली कॉपी होने के बाद वो आपके गूगल ट्रांसलेट में चला जाता है और वो ट्रांसलेट हो जाता है। यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो कि किस लैंग्वेज को आपने कॉपी किया है और किस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हो, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो आपको तमिल आता है तो आप यहाँ पे तमिल में भी पढ़ सकते हो। आपने कॉपी किया था इंग्लिश और यहाँ पे आपको तमिल में आ जाता है। अगर आपको हिंदी आता है तो यहाँ पे आप हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब आपको एक ऐप से दूसरे ऐप में बार बार स्विच नहीं करना होगा और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और बाद में आपको इसे सिंपली क्लोज करने के लिए ड्रैग करके बॉटम में लाना है, यहाँ पे आपको क्रॉस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको ड्रॉप कर देना है और ये बंद हो जाता है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा गूगल ट्रांसलेट पे आप क्या क्या कर सकते हैं और ये कितना यूज़फुल ऐप है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा और आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो इस चैनल से जुड़े रहें अभी के लिए। बाय बाय।